उत्थे टेस्ट करते करते वीरवार को बेहोश हो गए और उसके ऊपर यह ब्लेम किया गया कि ड्यूटी करने की मारी तू ड्रामा कर रही है। तीन दिन वो सैंपल दे विच देरी की गई, हाँ हुण अज शनिवार 1:30 बजे वह सैंपल लैके गए। यह सन्मान ने अंदरों रो रहे हैं कि लंघ गए लोग, इन्हों का हाल कोई नहीं पुछ रहा। पंजाब वासियों, मैं तुहानू अज हेल्थ सिस्टम के अखी देखे हाल जिहड़े वो विखाउण लगा। पंजाब दे विच तीन दिनों तो लगातार खबरां चल रही सीगियां कि सिविल हस्पताल अमृतसर है, इत्थे डॉक्टर बेबिका महिंदरू एम डी माइक्रोबायोलॉजिस्ट 40 दिन तो लगातार जिहड़ी वह ड्यूटी कर रही थी, 40 दिन तो करोना दियां जिथे जिथे भी को चैकिंग होनी हुंदी सी, जिथे जिथे भी ये बने सीगे सेंटर उन्हां दे उत्ते ड्यूटी लगी सी। 40 दिन दे विच एक वारी भी उन्हूं जिहड़ा क्वारंटाइन करके नहीं देखा गया, एक वारी भी क्वारंटाइन नहीं किया गया। वीरवार को फतेहपुर जिथे सेंटर बनया, श्रद्धालु जिथे ठहराए ने जिहड़े उत्थों नंदेड़ साहब तो आए ने, उन्हां दे उत्ते इन्हां दी ड्यूटी लगी। और इन्हों जे पहला तो मैं दस लगा फार्म दिए गए, इनफॉर्मेशन फार्म जिदे पेशेंट की जी डिटेल लिखनी होंगी है, एक फार्म दिता गया और यह कह के तोड़ दिता गया कि बाहरों यदि 300 कापी करा लो। हुण डाक्टर जिहड़े ने लोगों के इलाज नहीं लेके बाहरों जाके फोटो कापियां कराते फिरनगे, उत्थे टेस्ट करते करते वीरवार को बेहोश हो गए और वो उत्ते ब्लेम किया गया कि ड्यूटी करने की मारी तू ड्रामा कर रही है। और इतने देखो 40 दिन तो उन्हें कोई ड्रामा नहीं किया, मैं अंदर हूँ मिल गया हाँ। और उन्होंने शब्द सीगे कि मेरा जिहड़ा करोना नैगेटिव है वो आ जाए तो मैं सवेर तो ही अपनी ड्यूटी करने तैयार हाँ। वीरवार के दिन तो वो बार बार प्रशासन को अपने अधिकारियों रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा सैंपल ले लिया जाए करोना चैक करने वाला। तीन दिन वो सैंपल दे विच देरी की गई, हाँ हुण अज शनिवार 1:30 बजे वह सैंपल लैके गए आ। गल्लां ते करदे आपां फ्रंट वारियर ते जिहड़े लड़ रहे ने, डॉक्टर ने होर लोग ने, उन्हां दा सन्मान करना। यह सन्मान ने अंदरों रो रहे ने कि लंघ गए लोग, इन्हां दा हाल कोई नहीं पुछ रहा। पेशेंट की दुर्दशा ते तुसीं रोज ही वेखदे हो, किते ना किते कोई ना कोई बोलदा रहिंदा। अज तुसीं डाक्टरां दी भी यह हालत देख ली है, हुण डाक्टर भी इस तरीके रोण लग पए भी सानू भी कोई नहीं पुछ रहा ते कौन ये करोना पेशेंट नाल लड़ूगा। ये कल्ले नहीं, कल लोको के तो एक हैल्थ वर्कर सीगे, वह भी दवाई दिता रहा, वो अखा चो पानी सीगा, वो रो रहा सीगा कि मैनू पुछ कोई नहीं रहा, मेरा सैंपल कोई नहीं लै रहा। आ मैं एक चिट्ठी तुहाडे ध्यान च लियाउण लगा जिहड़ी 22/4/2020 दफ्तरी स्टाफ वालों सिविल सर्जन नू लिखी गई कि कर्मचारियों कोल कोविड-19 महामारी के बचाव लई मुढ़लियां सहूलतां नहीं हन ते होर भी बहुत सारा जरूरी समान है जिहदी वरतों बहुत ज़्यादा कोल नहीं है, जिहदे विच हैंड सैनेटाइजर, कंप्यूटर कीबोर्ड, कुर्सी मेज, अलमारी, डिसइनफेक्ट करने लई सोडियम हाइपोकलोराइड सल्यूशन, ये चीज़ा भी साढ़े कोल नहीं हन। ते बाथरूमां दी हालत बहुत ज़्यादा तरसयोग ते बहुत ज़्यादा गंदे हन, इत्थे कोई साफ सफाई का प्रबंध नहीं है। पहला तुहानू बार बार जुबानी बेनती की गई है पर तुहाडे लो कोई उपराला नहीं किया गया। आ हालात बने ने, एक दूजे नू चिट्ठियां लिख रहे ने, जरूरी समान तो दूर, बाथरूम तक तुहाडे को साफ नहीं कराए जा रहे, आखिर फंड जा कित्थे रहा तुहाडा। ये इस तरीके तुसी करोना नाल लड़ाई लड़नी हो, तुहाडे लीडर जिहड़े आ उह ते पैसे खा रहे आ करोना दी आड़ दे विच, चाहे वह पीपी किट का मसला, चाहे वह राशन का, चाहे वह सरकारी फंडा का, चाहे वह सेंटर तो आ रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो आ रहे हैं। आ पिछले दिन जिहड़ी किट डाक्टरां ने पा के लड़ना हुंदा करोना पेशेंट का इलाज करना हुंदा, करोना के नाल लड़ना, उहदे विच घपला आ गया तो तुसीं जांच लई कह दिता जांच करांगे, मौके दे उत्ते परचा क्यों नहीं दर्ज किया गया तां जो इहो जी कताई अगों ना हो सके। ये सारे लोग आपो अपनी दुकानदारी चलाउण डए ने। मैं फिर कहना, मैं को बहुतियां अज गालां नहीं कढ़नियां, माड़ा नहीं बोलना, पर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जे डॉक्टरां दा यह हाल हो गया, जे डॉक्टर भी घरां दे विच बह गए तो फिर किन्नू सामना किसी ने, तो किन्ने करोना दे नाल लड़ना। कोई मंत्री, कोई MLA, CM तक जमीन दे उत्ते आउण नू तैयार नहीं, जे श्रद्धालु उत्थों बुलाए गए आ, कभी हरसिमरत भांडा जिहड़ा भन दिता, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते भन दिता, अक्सर उन्हें अपने घर आना सीगा, तुसी एक दिन घरों बाहर रहो तो शाम को तुहाडा जी करदा अपने बच्चों नू मिल ली, आ गए ने तो उन्हां को गुनाह कर लिया, उन्हां दा उत्थे भी टेस्ट होना चाहिए सी, जिहड़ा नहीं होया सिर्फ गन नाल उन्हां दी स्क्रीनिंग की गई है। जे इत्थे आए तो घर जाण तो पहला टेस्ट होना चाहिए सीगा, जे वो चले गए तो हुण तुसी उन्हां नू फड़ के लैके आ रहे हो जिदा डंगर फड़ के लियाउणे हुंदे आ, कल्ले कल्ले नू लभ के लिया रहे हो, और 70-70 बंदे तुसी एक वार्ड दे विच रख दिते, उहदे विच बीबियां भी ने, अद्धियां अद्धे बंदे भी ने, एक एक बाथरूम है। तुहाडा सरकार च सलाहकार कौन है, तुसी क्यों नहीं मन रहे लोकां दीआं सलाहां नू?
इन्ने होटल्स बंद ने सारे जिलों के क्यों नहीं होटल्स वालों रिक्वेस्ट कर रहे कि उत्थे इन्हों क्वारंटाइन कर दिया जाए। एल पी यू के मेरे ख्याल 9000 बच्चे के ठहरन का प्रबंध है, क्यों नहीं उत्थे तुसीं इन्हां नूं उत्थे प्रबंध कर दे। खालसा कॉलेज यूनीवर्सिटी सारे होस्टल खाली पे ने, उत्थे क्यों नहीं बंदोबस्त कर दे। तुसीं ते जिद्दां पोल्ट्री फार्म च कुकड़ियां तार दे दियां ने उस तरह लोगों एक कमरे च तार देंदे हो। इस तरीके कोरोना नाल नहीं लड़िया जाना, लोगों के सलाह मनो। जे नहीं कर सकते फिर आप गल्लां करते इमरान खान दी कि उन्हें लोगों को कहा जिदा इलाज ही नहीं लभदा तो इन्हों इन्हों के हालातों से छड़ दिओ। तो सिस्टम तो इत्थे सेम बनिया पिया, जे तुहाडे कोल लोगों लिए साधन ही नहीं हैगा, तुहाडे कोल वेंटीलेटर ही नहीं हैगे, तुहाडे कोल पीपी किट्स ही नहीं हैगियां, ग्लव्स ही नहीं हैगे, मास्क ही नहीं हैगे, तो लोगों को लोगों के हालात के उत्ते छड़ दिओ। कम से कम लोग इज्जत ना कमा के रोटी तो खा सकन, मर भावे 4 साल पहले ही जाए, पर यहोजी दुर्दशा तो ना आए लोगों की। जिनी तुसी शराब के ठेकियां की फिक्र विखाई है उन्नी पंजाब लई वेंटीलेटर पैदा करन दी कराउंदे, उन्ने जो इन्हां दे इक्विपमेंट बणदे ने उहदे उत्ते अपनी इह सिरदर्दी तुसी करदे। ते लोक तुहाडे प्रति तुहाडा जिहड़ा लोकां दा विश्वास है तुहाडे प्रति वाजदा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, शराब के ठेकियां नूं छड्डो, डाक्टरां नूं डाक्टरां दा समान मुहैया कराओ। करोना भी वीआईपी हो गया, क्वारंटाइन भी वीआईपी हो गया, कि जे मेरी अप्रोच आ कि मेरा कोई ना कोई एमपी एमएलए फोन कर दिंदा कि इहनूं घर च ही क्वारंटाइन कर दो, ते जे कोई महात्तर बंदा उहनूं कुक्कड़ वांगू तार दिंदे हो, इहो जिहा वितकरा ना करो। लोक इहनूं बर्दाश्त नहीं कर रहे, लोकां दे मन च तुहाडे लई भड़ास भर रही है। और अज्ज डाक्टर दी हालात जिहड़े मैं तुहानूं विखाए आ, तिना दिनों तो सवाए सिविल हस्पताल के स्टाफ तो उहदा कोई पता लैण नहीं आया। जिहड़े तुहाडे वर्कर आ इहनां दे उत्ते जोर दो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एंबूलेंस के ड्राइवर ने 95-95 9-9 हज़ार रुपया तनखाह देते काम करते हैं, करोना पेशेंट लैके आते हैं, नर्सा की 10-10 हज़ार रुपया तनखाह है। इस तरीके कितों करोना नाल लड़िया जाऊगा। मैं फिर तुहानूं कहना जिस दिन ये लोग घर बह गए, मत सोचो तुम वखरिया वखरिया वड़िया वड़िया कोठिया बैठे हो, चंडीगढ़ तुम भी नहीं बच सकोगे। हर चीज इन्हों के हाथ लग लग के थोड़े तक पहुंचनी है, कोई नहीं बचूगा। थोड़ी गल बिल्कुल ठीक होगी, तुम 87% कहा सी ना, तो मैं कहना ये लोग तुम जफिया पा पा मार देंगे करोना वाले, तो तुम्हें भी बचन नहीं दिता जाऊगा किसी लीडर किसी अफसर न। सो इन्हों पर ध्यान दो, इन्हों वाल जो इन्हों के हक बनते हैं वो करो, ठेकों की बजाय लड़न दे इन्हों की लड़ो, तो इन्हों का इंतजाम करो। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैं ही रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुम भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है। ही रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।